Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, I'm going to teach you part number two of articles. In this particular session, I'm going to teach you about definite article. आज मैं आपको definite article के rules बताने वाला हूँ कि definite articles किन-किन cases में हमें use करना होता है. So let us start this particular session without any further delay. So please wait for one second. Yes. लेट अस स्टार्ट. सो आर्टिकल्स की अगर हम बात कर रहे थे, आज हम बात करने वाले डेफिनाइट आर्टिकल, जिसको हम आर्टिकल द बोल देते हैं, राइट? तो ये डेफिनाइट आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो लेट अस स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट रूल. माई डियर स्टूडेंट, देखें, वेन वी इंट्रोड्यूस अ सब्जेक्ट वेरी फर्स्ट टाइम, वेन वी इंट्रोड्यूस अ नाउन वेरी फर्स्ट टाइम, इट इज एन ऑर्डिनरी वन. जब भी किसी नाउन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ऑर्डिनरी होता है, लेकिन उसी नाउन को जब आप सेकेंड टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं, इट बिकम्स ऑब्वियस, इट बिकम्स स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक बन जाता है. और जब आपका नाउन स्पेसिफिक बन जाता है तो आर्टिकल द लेकर चलेगा. जैसे अगर मैं बात करता हूं, देखो, देर इज अ चेयर इन माई रूम, देर इज अ चेयर इन माई रूम, तो कौन सी चेयर की, मतलब ये जो चेयर है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है, तो जो कि ऑर्डिनरी है बिल्कुल. देर इज अ चेयर इन माई रूम, तो देर इज अ चेयर इन माई रूम, तो यहाँ पर अ लग गया. लेकिन अगर मैं इसी चेयर का दोबारा से जिक्र करता हूं तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा. देखो, द चेयर इज नेक्स्ट टू द डेस्क, द चेयर इज नेक्स्ट टू द डेस्क. सिमिलर, जब आप किसी नाउन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां पर हम आर्टिकल अ या एन लगा देते हैं, लेकिन अगर उसी नाउन को आप स्पेसिफिक कर देते हैं या उसी नाउन को आप दोबारा यूज करते हैं तो इट बिकम्स स्पेसिफिक. इन दैट केस वी हैव टू यूज आर्टिकल द, और फिर हमें आर्टिकल द यूज करना होता है. क्लियर? लाइक इफ आई जस्ट से वंस देयर वॉज अ किंग, वंस देयर वॉज अ किंग, एक बार एक राजा था भाई. वंस देयर वॉज अ किंग, the king was very brave, the king was very brave, was very brave. Now if you just look at the sentence, my dear student, once there was a king, yani ek king tha, ek raja tha, it means a king, the king has been introduced very first time, to ordinary tha, koi bhi king ho sakta hai, to humne article a laga diya, right? लेकिन द किंग वॉज वेरी ब्रेव, मैं कौन से किंग की बात कर रहा हूँ, उसे स्पेसिफिक किंग की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द लगा दिया. सो इट मीन्स when you introduce a subject or noun very first time, it takes article a or an according to sound, and when it is obvious or you, it becomes definite. jab wo definite ban jata hai to apne sath article definite hi lekar chalega, article the hum uske sath use karenge. clear? ye rule number 1 tha. now rule number 2, my dear student, in case of superlative degrees की अगर मैं बात करता हूँ, तो जितने भी superlative degrees होती है उनके साथ हम article the use करते हैं. जैसे this is the best evening ever, the best. Ram is the smartest boy of his class. तो जब भी आप superlative degrees की बात करते हैं तो superlative degree हमेशा अपने साथ article the लेकर चलती है, right? At the same time, my dear student, comparative degree भी लेकर चलती है. कई बार आपका आर्टिकल दो को कंपैरेटिव डिग्री भी लेकर चलती है. कब लेकर चलती है? जब आप बिटवीन द टू या ऑफ द टू की बात करते हैं, बिटवीन द टू या ऑफ द टू की बात करते हैं, तो वहां पर भी हम आर्टिकल दो लगा देते हैं. जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, राम इज द स्मार्टर बिटवीन द टू ब्रदर, राम इज द स्मार्टर बिटवीन द टू ब्रदर्स. देखो, जब माई डियर स्टूडेंट आपका सेंटेंस में आपको बिटवीन द टू या ऑफ द टू ये पर्टिकुलर फ्रेज मिलता है, तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल द लगा देते हैं. राम इज द स्मार्टर बिटवीन द टू ब्रदर्स बोल सकता हूं, या राम इज द स्मार्टर ऑफ द टू ब्रदर्स इज ऑल्सो करेक्ट. तो यहां पर भी हम कंपैरेटिव डिग्री के अंदर भी आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं. एट द सेम टाइम, जब आप कंपैरेटिव डिग्री में दो प्रोग्रेस को दिखा रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं, तब भी हम आर्टिकल द यूज कर लेते हैं कंपैरेटिव के साथ. जैसे अगर मैं बोलता हूं, द फास्टर यू ड्राइव द सूनर यू रीच. सो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर देखो दो एक्शन का कंपैरिजन हो रहा है. तो जब आप दो एक्शन का कंपैरिजन करते हो तो वहां पर अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो वो भी अपने साथ आर्टिकल द लेती है. देखो, द फास्टर यू ड्राइव the sooner you reach. तो इस तरह के sentences में भी हम comparative degree के साथ article the का use कर लेते हैं. clear? से rule number 2 हो गया आपका. now rule number 3 की तरफ move करते हैं. rule number 3 देखते हैं.
नाउ इन केस ऑफ माय डियर स्टूडेंट, जब आप इन्वेंशन की बात करते हैं, देखो जब कभी भी आप इन्वेंशन की बात करते हैं, कोई भी आविष्कार की बात करते हैं, तो उस इन्वेंशन के नेम के साथ आर्टिकल द लगा देते हैं. जैसे द स्टीम इंजन, द प्लेन, द लाइट ब्लब. ओके, तो जब भी इन्वेंशन की बात करोगे तो वहां पर भी आर्टिकल द लगाएंगे आप. करेंसीज की अगर बात की जाए, जैसे अगर मैं बोलता हूँ द डॉलर, द यूरो, द येन, द रुपीज, इस टाइप से जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स के केस में भी हम आर्टिकल द यूज कर लेते हैं. द हेड, द आई, द ईयर, द टंग, इस टाइप से जो भी बॉडी पार्ट होते हैं वहां पर आर्टिकल द यूज किया जाता है. जैसे मैं बोलता हूँ द राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द एरोप्लेन, देखो द एरोप्लेन हमने बोला है, राइट. राइट नाउ द डॉलर इज, द डॉलर इज स्ट्रॉन्गर देन द यूरो, ये करेंसी का नाम हो गया, तो हमने आर्टिकल द यहाँ पे भी यूज कर लिया. सिमिलर जब बॉडी पार्ट्स की बात की जाती है, शीतल गॉट पॉक्ड इन द आई, इन द आई, देखो यहाँ पर द आई यूज किया मैंने, द आई. तो जब आप इन्वेंशन, करेंसी या बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं, सो जनरली ये नाउन भी अपने साथ आर्टिकल द लेकर चलते हैं. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब बात कर लेते हैं कुछ, देखिए जनरली क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, जितने भी डिजीज नेम होते हैं, इलनेस नेम होते हैं, या जितने भी डिजीजेस होती है, बीमारियां होती है, जनरली उनके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं. जनरली उनके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है. जैसे अगर मैं बोलता हूँ डॉक्टर मीरा विजिट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी टू एडुकेट स्टूडेंट्स ऑन कैंसर, ऑन द कैंसर नहीं बोल रहा हूँ, द कैंसर हो गया, सिर्फ कैंसर हो गया. सो माय डियर स्टूडेंट, जनरली क्या होता है जब आप इलनेस और या डिजीज की बात करते हैं, तो उनके साथ हम आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं. जैसे देर आर सेवरल मेडिकेशन दैट कैन बी यूज टू ट्रीट मलेरिया, हम मलेरिया एक फीवर है, मलेरिया एक बीमारी है, तो देखो द मलेरिया हमने यूज नहीं किया. जनरली आप इलनेस के साथ या आप बात करते हो डिजीज के साथ, उनके साथ आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं. लेकिन कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शनल केसेस हमारे पास, जब कभी भी आपको ये डाउन मिलते हैं, ये बीमारियां मिलती है, तो उनके साथ आप आर्टिकल द लगाएंगे. जैसे मिसल्स, मिसल्स होता है खसरा, मिसल्स खसरा हो गया, फ्लू बुखार हो गया. मम्स, मम्स होता है कन्फेड, कान जहां से सूज जाता है कन्फेड बोलते हैं उसको, द मम्स. द प्लेग, प्लेग किसने, रेड्स जो होते चूहे होते उनकी वजह से फैलता है. तो जब कभी आप मिजल्स, फ्लू, मम्स या प्लेग की बात करते हैं, तो उनके साथ हम आर्टिकल द लगा देते हैं. जनरली जब आप किसी भी मतलब डिजीज या इलनेस की बात करते हैं, तो उनके साथ हम आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट मिजल्स, फ्लू, मम्स एंड प्लेग, इन दीज केसेस वी हैव टू यूज आर्टिकल द, हम इनके साथ आर्टिकल द यूज करना होता है, राइट. एट द सेम टाइम माय डियर स्टूडेंट, देखिए कुछ हेल्थ कंडीशंस होती हैं, कुछ स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन होती है, इनके साथ हम, अभी ये कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शनल केसेस है, हालांकि इलनेस और डिजीज के साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब कभी भी आपको ये स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन मिलती है, तो इनके साथ अकॉर्डिंग टू रूल हमें आर्टिकल लगाना होता है. देखिए अगर मैं सेंटेंस बोलूं, देखो ध्यान से, एग्जांपल, अ कॉल्ड, अ हार्ट अटैक, अ स्ट्रोक, ट्यूमर, ग्रोथ, शॉर्ट थ्रॉट, सोर का मतलब होता है गला खराब हो जाना, सोर बैक, पीठ में दर्द होना, सोर फूट, पैरों में दर्द होना. तो ये कुछ स्पेसिफिक फ्रेजेस हैं, अगर ये फ्रेजेस अगर आपको मिलते हैं, तो इन फ्रेजेस के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, आर्टिकल यूज कर सकते हैं. अब वही आर्टिकल अ यूज करेंगे, द यूज करेंगे, डिपेंड करता है. जैसे अगर मैं बोलता हूँ अ हेडेक, अब हेडेक के साथ भी यूज होता है, टूथेक के साथ भी होता है, मतलब दांत का दर्द जो होता है, बैक से होता है, मतलब जो बैक का दर्द होता है. तो ये कुछ स्पेसिफिक इलनेस है, कुछ कंडीशंस होती है, हेल्थ कंडीशंस होती है, इनके साथ हम आर्टिकल अ यूज कर सकते हैं, द भी यूज कर सकते हैं. जनरली इलनेस और डिजीजेस के साथ आप आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब आप मिसल्स, फ्लू, मम्स या प्लेग की बात करते हैं, उनके साथ आर्टिकल द यूज करेंगे. कुछ स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन है, जैसे अ कॉल्ड, अ हार्ट अटैक, अ स्ट्रोक, ट्यूमर, ग्रोथ, sore throat, sore back, sore foot, headache, toothache and back chain, right? ये सारे के सारे कुछ health conditions हैं जिनके साथ हम article अ भी use कर लेते हैं, द भी use कर लेते हैं. कैसे, देखे रोहित हैड ए कॉल्ड, देखो रोहित को कॉल्ड है, रोहित हैड ए कॉल्ड, अब ये नाउन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, अ कॉल्ड हो गया, द कॉल्ड वॉज वेरी बैड, अब ये सेकेंड टाइम यूज हो रहा था, ये स्पेसिफिक बन गया. तो डिपेंड करता है कि अगर आप इन हेल्थ कंडीशन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये अपने साथ आर्टिकल अ ले लेते हैं, अगर उनको डेफिनाइट बना लेते हैं तो आर्टिकल द ले लेंगे. जैसे मीता हैड अ हार्ट अटैक, अ हार्ट अटैक हो गया, राइट. द हार्ट अटैक सीरियसली वीकेंड हर हार्ट, द हार्ट अटैक, मतलब अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया, तो हमने आर्टिकल द लगा दिया. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, राइट. लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की. देखो डायरेक्शन के केस में क्या होता है, व्हेन यू टॉक अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन के केस में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर डायरेक्शन से पहले
अगर आपको कोई प्रेपोजिशन नहीं दिया होता है, सो इन दैट केस डायरेक्शन डज नॉट टेक आर्टिकल द विद इट, उसके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे वी नीड टू वॉक साउथ, वी नीड टू वॉक साउथ, देखो यहाँ पे साउथ दिया है, साउथ एक डायरेक्शन है, लेकिन इससे पहले कोई भी प्रेपोजिशन नहीं दिया। अगर आपको प्रेपोजिशन नहीं दिया होता है तो आप सीधा आप डायरेक्शन लिखेंगे, उसके साथ आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे दे ड्रोव नॉर्थ ऑल डे, वो नॉर्थ साइड की तरफ चले गए, तो ड्रोव देखो यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं है। क्यों? अगर प्रेपोजिशन दिया होता है डायरेक्शन से पहले तो अपने साथ आर्टिकल लेके चलेगी डायरेक्शन, अदरवाइज हम डायरेक्शन के साथ आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। देखिए My house is in the north. देखो my house is in the north. अब देखो यहाँ पर in दिया है, जो कि preposition है। अगर preposition दिया है तो direction के साथ भी आप article the लगा दोगे। The grocery store is on the right. On the right. देखो अब यहाँ पे फिर आपको क्या दिया है? Preposition दिया है, तो preposition के साथ आप क्या use करेंगे? आप फिर article the use करेंगे, किसके साथ? Direction के साथ, right? So my dear student, अगर आपको direction से पहले प्रेपोजिशन नहीं दिया है तो डायरेक्शन के साथ आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अगर आपको डायरेक्शन से पहले प्रेपोजिशन दिया है तो आप आर्टिकल द यूज करेंगे। क्लियर? आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम इन्हीं डायरेक्शंस का यूज हम जब बात करते हैं स्पेशल प्लेस, ज्योग्राफिक या कल्चर रीजन की बात करते हैं, तो वहां पर भी हम आर्टिकल द यूज कर लेते हैं। जैसे वी लव द साउथ, अब यहाँ पे साउथ डायरेक्शन की बात नहीं करें, साउथ कल्चर की बात की जा रही है, साउथ का जियोग्राफी की बात की जा रही है, ठीक है। Have you ever visited the east? क्या आप ईस्ट में कभी विजिट किया आपने? तो यहाँ पे ईस्ट साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, ईस्ट में आने वाला जो ज्योग्राफी है, ईस्ट के अंदर जो कल्चर है वो उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, द वेस्ट हैज बैटन नेशनल पार्क, जो वेस्ट के अंदर जितने भी ज्योग्राफी आती है, जितने भी पर्टिकुलर स्टेट्स या कंट्रीज आती है वेस्ट के अंदर, वहां पे अच्छे नेशनल पार्क्स हैं। तो जब कभी आप डायरेक्शन एज ए स्पेशल प्लेस के लिए, ज्योग्राफी के लिए, कल्चर के पर्पज से यूज करते हैं, तो वहां पर आर्टिकल द यूज कर लेते हैं। इज इट क्लियर? सो सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रूल एंड यू हैव टू कीप दिस रूल इन योर माइंड। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर सिक्स की तरफ। देखे रूल नंबर सिक्स जो बोलता है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जनरली जो आपका प्रॉपर नाउन होता है, जब कभी आप प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो अपने साथ आर्टिकल द लेकर नहीं चलता है। कभी भी प्रॉपर नाउन अपने साथ आर्टिकल नहीं लेकर चलता है। रोहित इज माई ब्रदर, तो ये ठीक है, यहाँ पे द रोहित यूज नहीं कर सकता हूँ, राइट? तो जनरली प्रॉपर नाउन अपने साथ कोई भी आर्टिकल लेकर नहीं चलता है, नंबर वन। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वहां पर आप आर्टिकल द यूज कर सकते हो, किसके साथ? प्रॉपर नाउन के साथ भी। सबसे पहली बात देखो, अगर बात करते हैं, अगर कोई भी मतलब जब प्रॉपर नाउन के केस में अ या एन भी यूज कर लेते हैं, कब यूज कर लेते हो मैं पहले बता देता हूं। जब कभी आप किसी इंसान के, कोई ऐसा इंसान जो स्ट्रेंजर है आपके लिए, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। कोई भी ऐसा इंसान जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट नहीं है, सस्पिशियस है, स्ट्रेंजर है, तो वो उस केस में आप यूज कर लेते हैं आर्टिकल अ या एन यूज कर लेते हैं प्रॉपर नाउन के साथ भी। जस्ट इमेजिन करें कि मैं क्लास ले रहा हूँ, राइट? एक स्टूडेंट आया, उसने कहा सर कोई राम आपका इंतजार कर रहा है, कोई राम आपका इंतजार कर रहा है, तो जो मुझे बताने के लिए है, क्या वो राम को जानता है? नहीं जानता है, तो मुझे आके ही बोलेगा कि सर कोई राम आपका इंतजार कर रहा है। तो जब मैंने बोला कोई राम आपका इंतजार कर रहा, तो आपने बोला अ राम इज वेटिंग फॉर यू, अ राम इज वेटिंग फॉर यू। अब यहाँ पे मैंने अ राम लिखा है, ये इसलिए लिखा है, इसका मतलब हो गया अ राम मतलब कोई राम है जो आपके लिए स्ट्रेंजर है। किसके लिए? जो बंदा मुझे बताने के लिए है कि सर कोई राम आपका वेट कर रहा है, उसने मुझे बोला अ राम इज वेटिंग फॉर यू सर। व्हाई? बिकॉज वो जो मुझे बताने के लिए आया है, राम उसके लिए स्ट्रेंजर है। जब आप स्ट्रेंजर के केस की बात करते हो, कोई भी ऐसा इंसान जिसको आप नहीं जानते हैं या किसी की कोई की सेंस देते हैं, तो वहां पर आप आर्टिकल अ या एन यूज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू साउंड। अगर मान लो यहाँ पे अजय होता तो एन अजय बोलता फिर मैं यहाँ पे, राइट? तो इस तरीके से प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल अ या एन यूज कर लेते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केस हुआ आपका। एट द सेम टाइम माय डियर स्टूडेंट, प्रॉपर नाउन के साथ अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैंने बोला जब आप मेटाफर की बात करते हो, मेटाफर क्या होता है? मेटाफर के अंदर जिसको आप इंप्लाइड सिमिली बोलते हैं, इंप्लाइड सिमिली का मतलब क्या होता है? ये एक लिटरल मीनिंग है, मतलब मेटाफर, मैं बता देता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। मेटाफर में क्या होता है, जब सामने वाले को आप देखो, उसकी दो सामने वाले को वो क्वालिटी का कंपैरिजन देने की बजाय उसको वो टाइटल दे देते हो, तो वहां पर हम मेटाफर यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला ही इज ए सचिन, ही इज ए सचिन, हालांकि सचिन क्या है? सचिन एक स्पेसिफिक नेम है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर अनएक्सेप्टेबल है। क्यों? यहाँ पे मैंने बोला है मीन्स ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, यानी वो सचिन की तरह क्रिकेट खेलता है भाई, वो सचिन की तरह क्रिकेट खेलता है, यानी उसकी जो
प्लेइंग जो क्वालिटी है एबिलिटी है सचिन की तरह है, ही इज विश्वनाथन इज, देखो ही इज अ विश्वनाथन, देखो विश्वनाथन है भी वो तो, मतलब ही प्लेस चेस वेरी वेल, तो मतलब यहाँ पर विश्वनाथन का जो खेलने का तरीका है ही के साथ मैंने क्या बताया, यानी वो विश्वनाथन की तरह खेलता है, वो सचिन की तरह खेलता है। तो जब आप सामने वाले को वो टाइटल दे देते हो तो हालांकि वो क्या है, हालांकि वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन वो वहां पर प्रॉपर नाउन की तरह काम ना करके वो कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम उसके साथ आर्टिकल अ यूज कर लेते हैं। अगर वो सिर्फ ऑर्डनरी कंपैरिजन कर रहे हो, सिर्फ ऑर्डनरी कंपैरिजन कर रहे हो तो आर्टिकल अ लगाएंगे, लेकिन अगर स्पेसिफिक कंपैरिजन करोगे तो आर्टिकल द लगेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे स्पेसिफिक कंपैरिजन है, देखिए अभी तक हमने ऑर्डनरी कंपैरिजन किया था, लेकिन जब आप स्पेसिफिक कंपैरिजन करोगे तो उस केस में आप आर्टिकल द लगा लोगे। जैसे अभी तो हमें ऑर्डनरी करें, ही इज अ सचिन, यानी सिंपल कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने बोला ही इज द सचिन ऑफ आर स्कूल क्रिकेट टीम, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इट इज क्लियरली मेंशन दैट ही इज ऑफ, ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आर क्रिकेट टीम, इट बिकम्स डेफिनाइट, सो द विल बी यूज्ड बिफोर सचिन। इट मीन जब आप ऑर्डिनरी कंपैरिजन करोगे तो प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल अ लगा देंगे, लेकिन आप जब स्पेसिफिक की बात करते हैं तो वहां पर आर्टिकल द लग जाएगा प्रॉपर नाउन के साथ भी। और यहाँ पर हम मेटाफर यूज करें, मेटाफर का मतलब सामने वाले को वो टाइटल ही दे देते हैं, और यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि वो सचिन तेंदुलकर है, मीन्स उसका खेलने का जो तरीका है वो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह है। ये एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज इन जनरल केसेस वी डू नॉट यूज आर्टिकल द विद प्रॉपर नाउन। जनरल केस में हम प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल द यूज या आर्टिकल अ या द यूज नहीं करते हैं, बट ये एक्सेप्शनल केसेस जो मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, माय डियर स्टूडेंट, जब कभी भी आप फैमिली नेम्स की बात करते हो, फैमिली नेम्स मतलब जब आप सरनेम की बात करते हो, जो आप कास्ट का नेम लगाते हो, सरनेम लगाते हो, तो उनके साथ भी आप आर्टिकल द यूज कर सकते हैं। जैसे द गांधीज आर वेरी पावरफुल इन इंडियन पॉलिटिक्स, यहाँ पे द गांधी का मतलब गांधीज, मतलब गांधी जो सरनेम है, तो गांधीज मतलब सारे गांधीज की मैं बात कर रहा हूँ। द बच्चन्स, बच्चन्स मतलब जैसे अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन्स आर ओरिजिनली फ्रॉम इलाहाबाद। My brother lives next to the Ambanis. The Ambanis का मतलब जो अंबानी के, मतलब जो अंबानी का जो पूरा पूरा कुनबा है, खानदान है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, राइट? तो जब आप सरनेम की बात करते हो, सरनेम से पूरी फैमिलीज को बताते हो, तो वहां पर आर्टिकल द लगा सकते हो, और जो आपका सरनेम होता है वो प्लूरल होना चाहिए वहां पर, राइट? सो दिस इज इन केस ऑफ योर रूल नंबर 7। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 6 था वो, रूल नंबर 7 पे हम मूव कर रहे हैं अभी हम। रूल नंबर 7 में देखो माय डियर स्टूडेंट, जब कभी भी आप कोई भी जब एडजेक्टिव होता है, मान लो कोई भी आपका जब एडजेक्टिव होता है और उस एडजेक्टिव के साथ अगर आप आर्टिकल द लगा देते हो, तो वो एडजेक्टिव पूरा क्या करता है, वो आपका पूरी कम्युनिटी को बताने लग जाता है। इट मींस अगर मैं बात करता हूं, देखिए मैंने बात की ब्लाइंड, सिंपल एक वर्ड यूज किया मैंने ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब क्या हो गया, ही इज ब्लाइंड, वो एक ब्लाइंड की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जैसे मैंने बोला द ब्लाइंड, द ब्लाइंड का मतलब हो गया आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लाइंड ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया के जो ब्लाइंड है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। पुअर का मतलब क्या हो गया, पुअर का मतलब हो गया गरीब, लेकिन मैंने बोला द पुअर, द पुअर का मतलब हो गया दुनिया के सभी गरीब, रिच अमीर एक की बात कर रहा हूँ, द रिच का मतलब हो गया दुनिया के सारे अमीर। सो माई डियर स्टूडेंट, वेन वी यूज आर्टिकल द विद एन एडजेक्टिव, इट रेफर्स टू द इंटायर कम्युनिटी, वो फिर पूरी कम्युनिटी को बताने लग जाता है। वन मोर थिंग माई डियर स्टूडेंट, इस केस में जो एडजेक्टिव होता है वो आपका प्रॉपर नाउन की तरह यूज किया जाने लग गया। अगर मैं बोलता हूँ पुअर, पुअर तो आपका एडजेक्टिव हो गया, लेकिन मैंने बोला द पुअर, तो ये पूरा एक सर्टेन कम्युनिटी को बताता है। द पुअर रेफर्स टू द प्रॉपर नाउन, यहाँ पे पुअर है वो प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। नंबर टू माय डियर स्टूडेंट, जब कभी आप एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द लगा देते हो तो वो पूरी कम्युनिटी को बताता है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, वो एडजेक्टिव कभी भी आपका प्लूरल आप उसको नहीं बना सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल हो जाता है, आप उसको एस या ईएस नहीं लगा सकते हैं। जैसे अगर मैंने बोला एक बंदे की बात कर रहा हूँ तो पुअर, लेकिन अगर मैं पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं बोलूंगा द पुअर, पुअर्स नहीं कर सकता इसको, मैं पुअर्स करूंगा तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द पुअर इज द करेक्ट आंसर होंगे। तो यानी जब आप एडजेक्टिव के सामने आप आर्टिकल द लगा देते हो तो वो पूरी कम्युनिटी को शो करता है, और जब वो पूरी कम्युनिटी को शो करता है तो मतलब वो प्लूरल बन जाता है, प्रॉपर नाउन की तरह यूज किया जाता है उसको। फिर जैसे कुछ एग्जांपल देखे, ही इज एल्डरली, एल्डरली तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, राइट? द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स द एल्डरली, देखो एल्डरली का मतलब हो गया ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो जितने भी बूढ़े लोग हैं उनकी मदद करती है, राइट? आई लाइक फ्रेंच, देखो
अब लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, देखो अब यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को। अब जो लैंग्वेज जो होती है, जब आप लैंग्वेज के बारे में बात करते हो तो लैंग्वेज कभी अपने साथ आर्टिकल द लेकर नहीं चलती है, लेकिन कई बार मतलब उसी वर्ड से आप नेशनलिटी को बताते हैं। अब देखो फ्रेंच एक नेशनलिटी भी होती है और फ्रेंच लैंग्वेज भी होती है। जब आप लैंग्वेज की बात करोगे तो लैंग्वेज डज नॉट टेक आर्टिकल, जैसे आई लाइक फ्रेंच, आई लाइक फ्रेंच का मतलब है मुझे फ्रेंच लैंग्वेज पसंद है। लेकिन अगर मैंने बोला आई लाइक द फ्रेंच, अब द फ्रेंच मैंने बोल दिया, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ फ्रांस, मैं फ्रांस के लोगों की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ ही लव्स इंग्लिश, ही लव्स इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश का मतलब हो गया लैंग्वेज। लेकिन अगर मैं बोलता ही लव्स द इंग्लिश, ही लव्स द इंग्लिश का मतलब हो गया ही लव्स द इंग्लिश पीपल। तो माय डियर स्टूडेंट, जब लैंग्वेज की बात करोगे तो लैंग्वेज अपने साथ आर्टिकल द नहीं लेगा, लेकिन जब आप बात करते हो नेशनलिटी की तो नेशनलिटी के साथ आप आर्टिकल द लगा सकते हो। क्लियर? रूल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, जनरली वी डू नॉट यूज आर्टिकल द विद एनी स्पेसिफिक कंट्री नेम। जनरली हम कंट्री नेम के साथ कोई आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं, बट इन स्पेसिफिक केसेस वो पर्टिकुलर कंट्रीज जिनके नेम में स्टेट्स, किंगडम, रिपब्लिक, इमिरेट्स, यूनियन, कॉस्ट, ये पर्टिकुलर वर्ड्स यूज होते हैं। स्टेट हो गया, किंगडम हो गया, रिपब्लिक हो गया, इमिरेट्स हो गया, यूनियन हो गया, कॉस्ट हो गया। जब कभी भी आपकी किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के साथ ये नाम आपको दिखाई पड़ते हैं तो उस केस में आर्टिकल द आप यूज करेंगे। क्लियर? जैसे मैं बोलता आई लव इटली, इटली तो जनरल है आपके, सिंपल से आई लव इटली, तो इटली के साथ सिंपल आ गया आपने। लेकिन जैसे मैं बोला मोहित यूज टू लिव इन जापान, जापान भी बिल्कुल सिंपल ही हो गया आपका, राइट? ही लिव्स इन द द यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखो द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, द आ जाएगा। द यूनाइटेड किंगडम, किंगडम में भी आ जाएगा, राइट? द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द रिपब्लिक। वैसे अगर मैं इंडिया का सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ तो इंडिया के साथ द नहीं लगाएंगे, लेकिन जैसे मैंने बोला द रिपब्लिक, द रिपब्लिक, फिर आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। सो जनरली वी डू नॉट यूज आर्टिकल विद एनी स्पेसिफिक कंट्री नेम, बट वेन वी टॉक अबाउट दीज कंट्रीज विच यूज जनरली स्टेट्स, किंगडम, रिपब्लिक, इमिरेट्स, यूनियन एंड कॉस्ट, सो इन दीज कंट्रीज नेम वी हैव टू यूज आर्टिकल द ऑल्सो। और इन कंट्रीज के नेम के साथ हमें आर्टिकल द भी यूज करना होता है, राइट माई डियर स्टूडेंट्स? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक ये केसेस हैं जहां पर आपको ये मिलता है, तो इन केसेस के साथ आप आर्टिकल द यूज करेंगे। जैसे ओशियन, जितने भी ओशियन नेम है, जैसे अगर मैं बात करूँ पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, तो इनके साथ हम यूज करेंगे। जितने भी सीज हैं, मतलब सागर की बात करता हूँ, ब्लैक सी, डेड सी, इस टाइप के जो सीज होते हैं उनके साथ कर लेंगे। कॉस्ट, जो समुद्री इलाका, जो कॉस्ट होता है समुद्री तट की बात करते हैं वहां पर यूज कर लेंगे। रिवर्स होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ हमारे इंडिया के अंदर रिवर्स, द गंगा, द यमुना, द कावेरी, द ब्रह्मपुत्रा। स्वयं, स्वयं का मतलब होता है ये दलदल जो होते हैं, स्वयं दलदल के लिए यूज किया जाता है स्वयं। आर्किपेलॉग्स, आर्किपेलॉग्स का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ आइलेट, आर्किपेलॉग्स, पेलॉग्स लगो, सॉरी, आर्किपेलॉग्स मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड की अगर मैं बात करता तो वहां पर भी यूज कर लेते हैं, जैसे द वेस्ट इंडीज, द अंडेमान निकोबार, द लक्षद्वीप। तो जहां पर ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात करते हो वहां पर भी आप यूज कर लेते हो। कलेक्शन ऑफ लेक्स, यहाँ पे लेक्स का कलेक्शन की बात करते तो वहां पर भी आप यूज कर लेते हैं। लेक्स मतलब झील की बात कर रहे हैं। माउंटेन चेन्स, माई डियर स्टूडेंट, माउंटेन चेन्स की अगर मैं बात करता हूँ, द हिमालयाज, द अरावली, द विंध्याचल, तो माउंटेन चेन्स की बात करते, माउंटेन रेंजेस की बात करते तो वहां पर आर्टिकल द यूज कर लेते हैं। लेकिन कई बार आपको एरर दिया जाता है माउंटेन पीक को देकर। जब आप माउंटेन पीक की बात करते हो, चोटी की बात करते हैं, तो वहां पर आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, हम रेंज के साथ करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ द माउंट एवरेस्ट, ऐसे लिख देते हैं जनरली आपको द माउंट एवरेस्ट, विच इज इनकरेक्ट। माउंट एवरेस्ट दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज माउंट एवरेस्ट कोई माउंटेन रेंज नहीं है, बल्कि ये तो माउंटेन पीक है। माउंटेन पीक के केस में हम आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं, राइट? डेजर्ट की अगर बात की जाए, कोई भी रेगिस्तान की बात करता हूँ, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट जो इंडिया के अंदर है उसके केस में कर लेते हैं। जब सेलेक्टिव बॉडी की अगर बात करते हैं, कोई स्पेसिफिक ग्लोब के अंदर, ग्लोब की मैं बात करता हूँ, द इक्वेटर्स, नॉर्थ पोल, ग्लोब के ऊपर कोई स्पेसिफिक की मैं बात करता हूँ, जैसे द इक्वेटर की बात होगी, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, उनके केस में हम आर्टिकल द यूज कर लेते हैं। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्शन को लेकर, जैसे द नॉर्थ वेस्ट, द मिडल ईस्ट, उस तरीके से हम यूज कर लेते हैं। ब्रिजेस का नेम की अगर मैं बात करता हूँ, एक्सेप्ट ब्रिज, टावर ब्रिज,
ब्रिज के नेम के साथ हम क्या कर रहे थे, आर्टिकल द यूज कर रहे थे। पगोडास, पगोडास क्या होता है, जो बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं उनके जो मंदिर होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है आर्टिकल द। होटल्स की अगर बात की जाए उनके नेम के साथ भी यूज कर लेते हैं, जैसे द ओबेरॉय, द ताज, इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं। थिएटर्स की बात की जाए तो वहां पर भी यूज कर लेते हैं, थिएटर्स के नेम के साथ भी यूज कर लेते हैं। म्यूजियम्स की अगर बात की जाए, संग्रहालय जो होते हैं, म्यूजियम्स होते हैं, उनके लिए भी यूज कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट जो है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो अपने नेम के साथ लिखते हैं, ओके, वहां पर भी यूज कर लेते हैं। स्काई स्क्रैपर्स का मतलब मीनिंग हो गया, जो गगनचुंबी जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उनके लिए यूज कर लेते हैं स्काई स्क्रैपर्स। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, दुबई के अंदर है आपका द बुर्ज खलीफा, इस टाइप से। अगर सेलेटिल बॉडीज की अगर बात की जाए, सेलेटिल मतलब जो आपके आसमान से रिलेटेड जो बॉडीज है, जैसे द अर्थ, द वर्ल्ड, द सन, द मून, द रेन, द स्टार्स, ये सारे के सारे आप क्या करेंगे, आर्टिकल दे लेंगे। इसके अलावा जितने भी आपके मतलब जो कहते हैं ना, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्क्स है दुनिया के अंदर, उसके लिए भी आप यूज कर लेते हैं। जो आपके जिन्हें अजूबे जिनको आप बोलते हो, जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ताजमहल, तो जो जो दुनिया के अजूबे हैं जिनके बारे में बात करते हैं, तो वो भी अपने साथ आर्टिकल द लेकर चलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत सारे 20 के करीब मैंने आपको रूल्स बताए हैं रूल नंबर 9 के अंदर। सो वी हैव टू यूज आर्टिकल द विद दीस पर्टिकुलर थिंग्स, इनके सामने हम इनके साथ हमें आर्टिकल द यूज करना होता है। क्लियर, लेट्स मूव ऑन नाउ माय डियर स्टूडेंट। देखो मैंने अभी आपको बताया था, जब आप डायरेक्शन की बात करते हो तो जैसे आप नॉर्थ पोल, साइड पोल, ज्योग्राफिकल की बात करते हो, साउथ पोल, नॉर्थ पोल के साथ आर्टिकल द यूज कर लेंगे। एट द सेम टाइम मैंने बोला था ब्रिज के साथ, देखो ब्रिज के जो ब्रिज का नाम होता है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द यूज कर लेते हैं, राइट, आर्टिकल द यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर उस ब्रिज के नेम के साथ किसी पर्सन का नाम जुड़ जाता है तो फिर हम आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से देखेंगे, जैसे चौक, चौक नेम होता है, मतलब कहीं पे चौक होता है, उस चौक के नेम के साथ भी हम आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं, अगर उस इंसान का नाम दे दिया जाए। जैसे ही मेट मी एट राजेंद्र चौक, राजेंद्र चौक, अब चौक है जनरली, मतलब ये राजेंद्र किसी इंसान का नाम हो गया तो आर्टिकल द नहीं लेगा। सिमिलर अगर मैं बहुत बात करता हूँ, आई ड्रॉप्ड हिम एट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जनरली हम एयरपोर्ट के नाम के साथ आर्टिकल यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर उस पर्सन का नाम भी आ गया तो आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। जैसे आई मेट हिम एट द मॉल रोड, एट द मॉल रोड, अब देखो यहाँ पे आर्टिकल द लगा दिया, क्योंकि मॉल जो है वो किसी पर्सन का नाम नहीं है। हे द रोड नेम इज माल रोड विच इज नॉट द नेम ऑफ ए पर्सन, अगर आप किसी पर्सन का नाम दे देते हो तो वहां पर आर्टिकल द नहीं लगाओगे। अदरवाइज आप किसी पर्टिकुलर रोड का नाम है, ठीक है, या एयरपोर्ट का नाम है, तो उनके साथ हम आर्टिकल द यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर उस पर्सन का नाम आ गया फिर हम यूज नहीं करेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू। Since the names of the place have names of the person them, so article the will not be used. अगर उस particular road का place का नाम उस person के साथ है और उस person का नाम भी वहां पर आ जाता है तो article the use नहीं करेंगे उस case में हम, right? So my dear student, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with the third part of this articles. Thank you so much. God bless you. Stay blessed.